ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో భారత్ అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తుందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. సంసద్ టీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలో ఆర్థిక రంగంలో చేపట్టిన సంస్కరణల కారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతమైందన్నారు. గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఆ రాష్ట్రాన్ని మోడీ అగ్రగామిగా నిలిపారని, ప్రధాని అయిన తర్వాత సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో దేశంలో పరివర్తన కోసం కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు. అధికారం తన లక్ష్యం కాదని, దేశ ముఖచిత్రం మార్చడం తన ధ్యేయమని మోడీ పేర్కొన్నారు. మాటల్ని హోంమంత్రి గుర్తు చేశారు. ఇండియా ఫస్ట్ లక్ష్యంతో మోడీ పనిచేస్తున్నారని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. मुख्यमंत्री होने काम हुआ और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने. ये तीन हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है. ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे. ढेर सारे स्टार्टअप आए, लोग लगे, मुझे विश्वास है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में बन ही जाएगी और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं. बहुत बड़ा जंप आया है, ढेर सारे सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने परिवर्तन. तो मोदी जी के जीवन में जो तीन बड़े बड़े आप स्टेज, तीनों स्टेज चुनौतीपूर्ण थे और उन्होंने बड़े धैर्य से, मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ तीनों चैलेंजों को सफलतापूर्वक पार कराया. मैं मानता हूं उनकी लीडरशिप ये बहुत बड़ी क्वालिटी है. मंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से तेजी से प्रशासन की बारीकियों को समझा, जो एक्सपर्ट से उनको प्रशासन के साथ जोड़ा, उनकी चीजों को लोकभोग्य बनाया, योजनाओं में तब्दील किया और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया. अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक नया मॉडल बनाया कि विकास को कैसे सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक बनाया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं लेकर आए. उनका मानना है और कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कहा भी है, देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए. हमारा लक्ष्य देश के अंदर परिवर्तन लाना है. 130 करोड़ की जनता को विश्व में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है, जो जबकि पोटेंशियल सालों से यहां पड़ा है. हमारा युवा धन पश्चिम और अमेरिका की ओर न जाता अगर ये फैसले सालों पहले हो गए होते तो, जो आज हो रहे. मैं किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहता, मगर वो इसलिए नहीं डरते हैं कि सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है. जो चलता है उसको चलने देना, आराम की जीवन जीना भी लक्ष्य नहीं है. एकमात्र लक्ष्य है भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट. ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं.